उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। सभी दल जनता का दिल जीतने के लिए अपना अपना पैतरा अपनाने का प्लान बना रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी केंद्र और राज्य में किए गए अपने कामों के दम पर अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए जनता के बीच जाने वाली है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को लेकर जनता से वोट मांगेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और पार्टी की मुखिया मायावती के लिए इस बार का मुकाबला आसान नहीं दिख रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो यूपी में टक्कर बीजेपी और सपा की है, और ऐसे में मायावती के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव मायावती के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है, क्योंकि बीते कुछ चुनाव के नतीजे बीएसपी के पक्ष में नहीं रहे हैं। ऐसे में आने वाला 2022 बीजेपी का भविष्य निर्धारित करेगा। 2012 के बाद से बसपा का प्रदर्शन लगातार डाउनफॉल पर है। 2012 में जहां समाजवादी पार्टी ने 214 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2017 में बसपा महज 19 सीटें ही हासिल कर पाई थी। वहीं लोकसभा चुनाव में तो मोदी लहर ने कई पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म कर दिया, जिसमें से एक बसपा भी है। ऐसे में अब पार्टी के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की एक बड़ी चुनौती है, और आगामी विधानसभा चुनाव बसपा के लिए महासंग्राम है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, जिसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती ने अखिलेश के साथ हाथ मिलाया, लेकिन ज़्यादा कुछ हाथ लगा नहीं, पर वो लोकसभा चुनाव थे। और अब 2022 में विधानसभा चुनाव हैं। मायावती पहले से कह चुकी हैं कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। अखिलेश का साथ छूट चुका है और यूपी में अब वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, ऐसा मायावती का कहना है। लेकिन मायावती इस चुनौती को कैसे पार करेंगी, ये देखने वाली बात होगी।